एन बाई टू इफ एन इज इवन, ये दिया हुआ है। बच्चों पिछली क्लास में मैंने बताया था कि वन वन फंक्शन क्या होता है। इफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, मतलब दो एलिमेंट्स की अगर इमेज बराबर हो और अगर हम ये प्रूव कर दें कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो फंक्शन क्या होता है, वन वन होता है। ठीक है, दो एलिमेंट्स की इमेज इक्वल है और वन एलिमेंट्स को हम इक्वल प्रूव कर दें तो फंक्शन क्या होता है, वन वन होता है। क्या ये फंक्शन वन वन, या फिर अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है, वन वन नहीं है, तो डेफिनेटली फंक्शन का क्या होगा, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज होगी। जब दो एलिमेंट्स की सेम इमेज होती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन वन वन नहीं है। एक से ज्यादा एलिमेंट्स की अगर सेम इमेज है तो फंक्शन क्या नहीं है, वन वन नहीं है। ठीक है, एफ एक्स ये होगा, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, एफ कैसा फंक्शन है, एन टू एन। तो इसमें क्या होगा, देखो जरा, अगर आप वन की इमेज निकालेंगे, अर्जुन वन की इमेज क्या आएगी, कौन बता सकता है, अर्जुन बता सकता है वन की इमेज क्या होगी? सर एक्स प्लस वन बाय टू। एन वन जिसकी इमेज निकाल रहे हैं वो ओड है, तो उसके अकॉर्डिंग इमेज क्या होनी चाहिए, वन प्लस वन अपॉन टू, टू बाई टू दैट इज वन। ठीक है, टू की इमेज क्या आएगी, एफ ऑफ टू क्या आएगा, टू की इमेज, टू कैसा है, इवन है, तो इसकी इमेज क्या आनी चाहिए, टू बाई टू यानी कि वन। दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज एक जैसी आ गई तो फंक्शन वन वन नहीं होता। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एफ इज नॉट वन वन। वन वन कब होता है दिवेश फंक्शन, सर जब ऑड होता है, जब डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट हो तब वन वन होता है। ओके सर, यहाँ पर क्या आ गया, देखो वन की इमेज भी क्या है इस फंक्शन में, वन की इमेज भी क्या है, वन है, और टू की इमेज भी क्या है, वन है, तो ये फंक्शन वन वन नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। फंक्शन वन वन कब होता है, जब डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट हो, लेकिन यहाँ पर तो वन की इमेज भी वन है और टू की इमेज भी क्या है, वन, सो दिस फंक्शन इज नॉट वन वन। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू क्या होता है देवेश बताओ, ऑन टू क्या होता है सर, ऑन टू, ओके दिवेश कह रहा है ऑन टू, पता क्या होता है सर, मैं एक्चुअली था नहीं इसलिए मेरे को पता नहीं। अर्जुन ऑन टू क्या होता है, अनिरुद्ध को आंसर करना चाहिए। देखो बच्चों, एक ये फंक्शन है वन टू थ्री ए बी, इसकी इमेज ये हो गई, इसकी इमेज ये हो गई, इसकी इमेज ये हो गई। आप ये सेट कौन सा होता है, कोडोमेन, क्या होता है, कोडोमेन, और ये क्या होता है, डोमेन सेट है। ठीक है, कोडोमेन में अगर हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज है, वन की इमेज क्या है ए, टू की इमेज क्या है बी, थ्री की इमेज क्या है बी, कोडोमेन सेट के अगर हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज है, कोडोमेन सेट के हर एलिमेंट के लिए अगर प्री इमेज है, जैसे ए के लिए क्या है, प्री इमेज है, बी के लिए क्या है, प्री इमेज है। ठीक है, कोडोमेन सेट के हर एलिमेंट के लिए अगर प्री इमेज है तो फंक्शन ऑन टू होता है। लेकिन अगर कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, कोडोमेन में कुछ एलिमेंट, एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसके लिए प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर सी एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। मतलब फंक्शन को आपको ऑन टू दिखाने के लिए ये शो करना पड़ेगा कि हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज है। ठीक है, अनिरुद्ध एंड ये कार्तिक है, दोनों ने कैमरा नाराज होकर ऑफ कर दिया। अगर आप मामा को कुछ पूछना चाहें तो देखो जरा, दोनों एलिमेंट्स के लिए क्या है, दोनों एलिमेंट्स के लिए प्री इमेज है, सॉरी ए और बी के लिए प्री इमेज है लेकिन सी के लिए प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू नहीं होगा। करेक्ट, समझ रहे हैं? यस सर। तो ऑन टू दिखाने के लिए हमें क्या शो करना होगा कि एवरी एलिमेंट हैज प्री इमेज। अब हम चेक करेंगे कि क्या इस फंक्शन के हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे इसको क्योंकि एक थोड़ा एडवांस लेवल का सम है। देखो जरा, हमने मान लिया कि कोडोमेन में ये वाला सेट होता है कोडोमेन, राइट हैंड साइड पे जो सेट है दैट इज कोडोमेन। हम अज्यूम कर लेते हैं लेट
y belonging to n, y कोडोमेन में एक एलिमेंट है, y कोडोमेन का एक एलिमेंट है, y अगर कोडोमेन का एलिमेंट है तो y क्या होगा? देखो ये फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, ये नेचुरल नंबर्स के सेट से नेचुरल नंबर्स के सेट पे डिफाइन है, यहां पर सारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, यहां पर भी नेचुरल नंबर है, राइट तो y हमने इस सेट का एक एलिमेंट लिया है, इस सेट में क्या है, नेचुरल नंबर है, तो y 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। एक बात बताओ, या तो y क्या होगा, ऑड होगा या इवन होगा, इससे अलग तो कुछ नहीं हो सकता ना, राइट तो एक केस में हम ले लेते हैं y इज इवन, y कैसा है, इवन है, y इवन है, y अगर इवन है तो एक बात बताओ, y इवन है तो y माइनस वन क्या होगा, एक मिनट, टू y इवन है तो 2y क्या होगा, 2y इवन नंबर होगा, y अगर इवन है तो y 2y क्या होगा, इवन होगा, ठीक है, y इज इवन 2y इज ऑल्सो इवन, करेक्ट, f ऑफ अगर 2y निकालेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ 2y निकालेंगे तो क्या आएगा, यहां से देखो अगर इवन नंबर की इमेज निकालते हैं तो क्या आती है, n बाई टू, सो ये होना चाहिए 2y by, that is y के equal, अगर y even number है तो y की प्री इमेज कौन बनेगा, y यहाँ एक नंबर है और ये नंबर even है तो इसकी प्री इमेज कौन बनेगा, 2y, एक बात बताओ y even number है तो 2y भी even number होगा और y natural है तो 2y भी natural number होगा, so 2y इस सेट में जरूर belong करेगा क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो यहां एक एलिमेंट होगा 2y जो इस y की प्री इमेज होगा, ओके okay? अगर राइट हैंड साइड के सेट में कोई इवन नेचुरल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड के सेट से 2y इवन नेचुरल नंबर जो होगा वो उसकी इमेज बनेगा, करेक्ट, समझ आया आपको, अच्छा एक तो ये, दूसरा सेकंड, y इवन की बजाय अगर ओड होता है तो y इज ओड, y ऑड होगा तो 2y क्या होगा, 2y इज इवन एंड 2y माइनस वन क्या होगा, ऑड, करेक्ट, y अगर ऑड है तो y वन हो सकता है, 2y टू बन गया, इवन आ गया, 2y में से वन माइनस कर दिया, क्या फिर से क्या आ गया, ऑड आ गया, ठीक है, एंड अगर f ऑफ 2y माइनस वन फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, ये कौन बताएगा, f ऑफ 2y माइनस वन, सर y, f ऑफ 2y माइनस वन, वो 2y माइनस वन तो ओड है, ओड नंबर की इमेज निकालते हैं तो क्या आती है, n प्लस वन बाई टू, तो ये आना चाहिए n के जगह हमारा 2y माइनस वन है, 2y माइनस वन प्लस वन बाई टू, वन वन कट हो गया, 2y बाई टू आ गया, y बन गया, राइट, 2y माइनस वन की इमेज क्या आ गई, y आ गई, 2y माइनस सॉरी y की प्री इमेज कौन आ गया, 2y माइनस वन, y हमने एक ओड नेचुरल नंबर लिया था कोडोमेन सेट में और उसके लिए प्री इमेज कौन बन गया, दिस, तो जो पॉसिबिलिटी राइट हैंड साइड के सेट पे हो सकती थी कि यहाँ पर नेचुरल नंबर चाहे इवन हो या फिर ओड हो, दोनों ही केसेस में, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, दोनों ही केसेस में हमारे पास डोमेन सेट के अंदर प्री इमेजेस हैं, राइट, दिस इंप्लाइज y इज, दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू, f फंक्शन ऑन टू होगा, ठीक है, हर एलिमेंट के लिए हमारे पास प्री इमेज है, सो f इज ऑन टू, करेक्ट, अनिरुद्ध आपको समझ आया ये, सर वापस समझा दो,
उससे बेटर बेटा ये होता है कि आप उसी पॉइंट पे बताओ मुझे कि जहां समझ नहीं आया, मतलब आप 10 मिनट से बैठे बैठे घूम रहे थे। नहीं सर, यही तो था। अब हर पॉइंट पे पॉइंट टू पॉइंट बताओ ना कि ये समझ नहीं आया, सब खत्म करके सोचो। क्या यार अनिल, आपको पढ़ना भी नहीं आता ठीक से। फंक्शन क्या दिया था हमें? फंक्शन दिया था एफ एक्स इज, अनिरुद्ध पूरा समय बेटा रिपीट दोबारा नहीं करूंगा इसके बाद, मुझे पॉइंट टू पॉइंट बताओ कि मुझे ये स्टेप समझ नहीं आया। पूरा सम समझने का मतलब होता है कि आपको दोबारा भी कुछ समझ नहीं आएगा। भाई आप 1+1 ऐड किया मैंने, 1+2 किया मैंने, 3 लिखा, मुझे यहीं से पूछो ये 3 कैसे आया। ये होता है समझने का तरीका। पूरा सम दोबारा पूछने का मतलब होता है बेटा आप पता नहीं कहाँ थे, सोए हुए थे। ऑन टू वाला पार्ट में जब शुरू किया वो वाला, ऑन टू वाले पार्ट में बेटा 10 स्टेप हैं, आप हर स्टेप को वहीं पर कहते हैं अगेन रिपीट करो, वो ज्यादा बेटर था। पूरा सम दोबारा करने का कोई फायदा नहीं होता है कभी। वन वन वाला हो गया। देखो जरा पूरा सम दोबारा करने का मतलब होता है कि रट्टा स्टेप टू स्टेप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, वो होती है अंडरस्टैंडिंग। देखो जरा ये एक फंक्शन है एन से एन तक है, ठीक है, हमें इसको ऑन टू प्रूव करना है। ये दिया हुआ है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ऑन टू प्रूव करना है तो हमने इसका एक एलिमेंट लिया वाई, तो वाई या तो इवन नंबर होगा या वाई ऑड नंबर होगा, ठीक है। वाई हमने क्या लिया, वाई इज ए नेचुरल नंबर, वाई क्या लिया हमने, नेचुरल नंबर लिया। अब ये बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है कि वाई नेचुरल नंबर क्यों ले लिया? अंडरस्टैंडिंग अनिरुद्ध ऐसे बनती है कि स्टेप टू स्टेप आप क्लियर चीजें क्लियर करो। वाई नेचुरल नंबर क्यों है बताओ, नेचुरल नंबर क्यों है? क्योंकि वन से आप कैमरा क्यों बंद कर लेते हो हर बार अनिरुद्ध? तो नेटवर्क हुआ एक बंदा से, नेटवर्क को क्या हो गया आपके नेटवर्क को, आप रोज कैमरा बंद कर लेते हो भाई। अनिरुद्ध एक बात क्लियरली मैं बता दूं, मैं बेटा कम ऑफ कैमरा में मैं नहीं पढ़ा सकता। आपका नेटवर्क ठीक है तो हाई स्पीड प्लान ले लो या फिर अपना जो इश्यू है उसको रिजोल्व करवाओ, मैं ऑफ कैमरा नहीं पढ़ाऊंगा। एक बंदा 5 मिनट में कर दो। 5 मिनट में क्यों है? तब तक वो फिर ठीक हो जाए। तो एक डंडा आपका आवाज कट जाएगा फिर। Y is a natural number. Y हमने क्या लिया? Natural number. Yes sir. बीच बीच में आप लोग उठ के भी चले जाते हो, उठ के चले जाओगे समझ कैसे आएगा? उठ के जाना है मेरे से पूछ के जाओ, बिना पूछे उठ के नहीं जाओगे। Y natural number लिया हमने, ठीक है, तो दो केस हो सकते हैं, आइदर वाई कैन बी इवन और वाई कैन बी ऑड। पहला हम केस ले रहे हैं वाई इज इवन, वाई इवन है, ठीक है, वाई इवन है, वाई इवन है तो वाई होगा 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप का कोई नंबर होगा वाई, ठीक है। तो 2y क्या होगा, 2y भी इन किसी भी नंबर्स को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो वो भी इवन ही आएगा, तो 2y क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, ठीक है। जैसे इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 4 हो गया, इसको कर दिया 8 हो गया, इसको कर दिया 12 हो गया, इसको कर दिया 10 हो गया, इसको कर दिया तो क्या हो गया 20 हो गया एंड सो ऑन। एक बात बताओ 2y-1 क्या आएगा? नहीं 2y-1 की जरूरत नहीं हमें, 2y इवन नंबर है। एफ ऑफ अगर 2y निकाला जाए तो क्या आएगा? देखो यहां से फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, अगर इवन नंबर की इमेज निकालते हैं तो क्या आता है, 2y/2 दैट इज y। इवन नंबर की इमेज निकालते हैं तो क्या आता है, n/2, यानी कि अब हम 2y की इमेज निकाल रहे हैं तो 2y/2 आएगा दैट इज y। क्लियर है ये?
वाई की प्री इमेज क्या बन गया? टू वाई। अब ये बताओ यहां पर एक एलिमेंट वाई है तो टू वाई इसकी प्री इमेज हो सकता है, बट क्या ये फर्स्ट सेट में होगा? क्या ये फर्स्ट सेट में होगा बताओ? टू वाई ही सेट में होना चाहिए ना वाई की प्री इमेज बनने के लिए, होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, अगर वाई वाई नेचुरल नंबर है तो टू वाई भी नेचुरल नंबर आएगा, और टू वाई नेचुरल नंबर आएगा तो ये ऑल नेचुरल नंबर्स का सेट है, इसमें टू वाई होगा, तो इस सेट में टू वाई प्रेजेंट है और टू वाई की इमेज निकालते हैं तो वाई आता है, इसका मतलब वाई की प्री इमेज कौन हो गया? टू वाई। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड के सेट में जो इवन नंबर होंगे उनकी प्री इमेज कौन होगा? इवन, टू वाई। जो भी वाई टाइप के इवन नंबर होंगे उनकी प्री इमेज टू वाई होगा, सारे इवन नंबर्स की प्री इमेज जरूर होगी। सेकंड, अगर वाई को ओड ले लिया जाए तो, वाई को ओड लिया तो क्या होगा? सो टू वाई इवन हो जाएगा, टू वाई इवन हो जाएगा। ठीक है, ये हम टू टू क्यों ले रहे हैं, क्यों क्यों लेना चाह रहे हैं हम टू टू? भाई यहाँ हमें टू से डिवाइड वाला केस है, यार ये टू से डिवाइड हो रहा है, तो इमेज जब आएगी वो टू से डिवाइड होके आएगी तो हम उस नंबर को पहले डबल कर लेते हैं। ठीक है, हमें इमेज प्री इमेज इसकी वाई की देखनी है ना, तो वो टू से डिवाइड होने के बाद आएगी, जिसकी भी इमेज निकालेंगे टू से डिवाइड होके आएगी, जैसे फोर की इमेज निकालेंगे तो फोर बाई टू आएगी, टू आएगी, तो प्री इमेज में इसमें लगभग क्या रिलेशनशिप है? ट्वाइस का रिलेशनशिप है, इमेज आएगी वो आधी हो जाएगी तो प्री इमेज उसका डबल होगी, इसलिए हम प्री इमेज बनाने के लिए जा रहे हैं तो प्री इमेज को डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। टू वाई इवन होगा और टू वाई माइनस, अच्छा एक बात बताओ, वाई अगर ओड नंबर है तो वाई क्या होगा? वन थ्री फाइव सेवन वाई, ऐसा ही होगा ना? टू वाई क्या हो गया? सिक्स हो जाएगा, टेन हो जाएगा, फोर्टीन हो जाएगा, टू वाई ये बनेगा, टू वाई इवन बना। टू वाई में से अगर आप वन माइनस कर दोगे, जैसे टू माइनस वन वन आएगा, सिक्स माइनस वन फाइव आएगा, टेन माइनस वन नाइन आएगा, ओड आएगा, लेकिन नेचुरल नंबर तो आ रहा है ना, फिर भी टू माइनस वन वन आया नेचुरल नंबर आया, सिक्स माइनस वन फाइव आया नेचुरल नंबर आया, आ तो नेचुरल नंबर ही रहे, तो ये टू वाई माइनस वन ओड भी होगा एंड नेचुरल होगी, नेचुरल भी होगा। टू वाई माइनस वन कैसा नंबर है? ओड है एंड बिलोंग कर, किसको बिलोंग करता है? बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर्स को भी बिलोंग करता है, करेक्ट? यस। एफ ऑफ टू वाई माइनस, टू वाई माइनस वन निकालेंगे, किसके इक्वल आएगा एफ ऑफ टू वाई माइनस वन? टू वाई माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ये प्लस वन क्यों आया पूछना है तो पूछ लो, नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो वन क्यों आया। सर वो पर वो कंडीशन था ना, ऑड की इमेज निकालते हैं तो उसमें वन ऐड हो जाता है और टू से डिवाइड हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? इस नंबर की इमेज निकाल रहे हो, ये ऑड है तो इसमें वन ऐड हो गया, टू से डिवाइड हो गया, तो ये टू आई बाई टू कितना आ गया? टू आ गया, सॉरी वन आ गया, नहीं अरे क्या कर रहा हूँ मैं, वाई आ गया, मतलब सिंप्लीफाई होके वन वन कट होगा, टू आई बाई टू आएगा, दैट इज वाई। तो फिर से वाई के लिए प्री इमेज कौन मिल गया? टू आई माइनस वन। और देखो मैंने एग्जाम्पल लेके आपको दिखाया था कि टू आई माइनस वन जब बनेगा तो वो नेचुरल नंबर जरूर होगा, मतलब टू आई माइनस वन इस सेट में जरूर होगा क्योंकि ये ऑल नेचुरल नंबर्स का सेट है, और वाई के लिए क्या है? ये प्री इमेज है, तो इस वाई के लिए भी प्री इमेज मिल गया। पहले जो ओड वाई इवन वाई लिया था उसके लिए भी प्री इमेज मिल गया, इवन वाई लिया उसके लिए भी प्री इमेज मिल गया, इसका मतलब हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज है, चाहे वो ओड हो या इवन हो, तो फंक्शन कैसा हो गया? एफ इज ऑन टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर, एफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स टू द पावर फोर के इक्वल है। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर। ठीक है, नहीं इससे पहले एक क्वेश्चन रह गया,
एक सेट दिया हुआ है हमें, ए सेट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस थ्री। बी एक सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस वन। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ क्या है, एक फंक्शन है कहां से कहां तक, ए से बी तक, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इफ एज इज एफ इज वन वन एंड ऑन टू। If f is 1, 1, non 2, fx is x minus 2 upon x minus 3, 1, 1 कैसे प्रूव करेंगे? 1, 1 प्रूव करने का मेथड क्या होता है? 1, 1 प्रूव करने का मेथड बताओ क्या होता है? अर्जुन, अर्जुन लैपटॉप को ऐसे किया करो, बहुत ऊपर करके बैठे हो, बेड वाली टेबल पे या डाइनिंग पे वगैरह टाइप वाली पे, कौन से स्टडी पे बैठे हो? नहीं सर, मेरे मेरे बेडरूम में एक स्टडी टेबल पे बैठा हूं। बेटा ऐसे लैपटॉप पे ऐसे रखा करो ना, आप कहते हो हां ये हुई ना, नहीं इतना तो थोड़ा ज्यादा ही होगा, इतना ही जरूरत नहीं है, इतने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, हां बस इतना रखो। सर 11 का मतलब क्या होता है? 11 का मतलब होता है कि ये दो सेट हैं, ये ए है ये बी है, इस सेट में कुछ एलिमेंट्स है, इसमें भी कुछ एलिमेंट है, अगर डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट से एसोसिएट होता है तो ये 1-1 है। डिफरेंट एलिमेंट अगर डिफरेंट से एसोसिएट होता है तो ये 1-1 है। ठीक है, और एक से ज्यादा एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट एक से एसोसिएट है तो ये 1-1 नहीं है। Many to one, अच्छा ठीक है। अब अर्जुन का ठीक करवाया तो दिवेश चला गया उसी मोड पे। दिवेश, हाँ आप लोग ऐसे करके रखते हो, बस इतने दिखते हो। अरे भाई छत क्यों दिखाई दे रही, मुझे आप दिखाई देने। सर ऐसे नहीं रखना है ना सर, ऐसे रखना है ना, ऐसे रखना है। 90 डिग्री तक भी रखते हो तो आपको दिखाई देता है इजीली, मुझे आप लोग सारे अच्छे से दिखाई दे रहे हो। मुझे कोई आपको देखने के लिए ऐसे नहीं होने की जरूरत, बिल्कुल 90 डिग्री पे अगर है तो इजीली आपको स्क्रीन दिखाई देगी, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत आती है तो थोड़ा सा ऐसे कर दो, पर एटलीस्ट मुझे थोड़ा बैठे हुए दिखो तो सही, ऐसे कि नहीं कि मतलब गर्दन गर्दन दिखाई दे रही है, ऐसे नहीं, जैसे मेरा ऐसे करो। ठीक है, तो ये 1-1 होता है। 1-1 करने का मेथड क्या होता है? 1-1 करने का मेथड होता है कि आप दो एलिमेंट लेंगे x1 एंड x2, उनकी इमेज सेम अज्यूम करके चलेंगे। x1 की इमेज क्या होती है? fx1। x2 की इमेज क्या होगी? fx2। आप ये अज्यूम करके चलोगे कि ये इक्वल है। उसके बाद अगर आप ये शो कर देते हो कि x1 और x2 इक्वल है, मतलब जिन दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है, ये x1 है ये x2 है, इन दोनों एलिमेंट्स की इमेज अगर सेम है और आपने ये प्रूव कर दिया कि तो एलिमेंट ही सेम है, तो फिर तो इमेज एक ही होनी थी दोनों की, तब तो ये फंक्शन होता है 1-1। अगर आपका ये प्रूव हुआ कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो इसका मतलब हो गया कि x1 x2 अलग अलग एलिमेंट हैं और कि इनकी इमेज क्या है, सेम, तो फंक्शन हो गया नॉट 1-1। करेक्ट। अभी हमें जो फंक्शन दिया हुआ है कहां से कहां तक है, ए सेट हमें दिया हुआ है, ए सेट कितना है, ए सेट है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। बी सेट हमें दिया हुआ है, बस ये एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, फिर नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, फिर बिगनिंग से आपको समझ आएगा ढंग से। ये सेट दिया हुआ हमें दिस, ए सेट हमें ये दिया हुआ है, बी सेट हमें ये दिया हुआ है, एफ एक फंक्शन है ए से बी तक, ठीक है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, दिस, ठीक है, एफ इज 1-1 एंड ऑन टू, एफ 1-1 ऑन टू है, ये प्रूव करना है। 1-1 के लिए क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए, ए सेट के दो एलिमेंट लिए हमने x1 x2, कैसे एलिमेंट है ये, कि इन दोनों की इमेज सेम है, एफ एक्स वन
इज इक्वल टू एफ एक्स टू। एफ एक्स वन क्या होता है? एक्स वन एलिमेंट की इमेज होता है। एफ एक्स टू क्या होता है? मैं तो थोड़ा सा ज्यादा ऊपर पता है क्यों रखता हूँ इसको, उसका एक और भी रीजन है कि देखो मैं ज्यादा ऐसे करूंगा तो आपको दिखाई देगा सर के ना बाल उड़े हुए हैं, गंजे हैं सर, ऐसे करूंगा तो पता ही लगेगा, है ना। एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, करेक्ट। हमने दो एलिमेंट्स की इमेज को इक्वल अज्यूम कर लिया। अब एफ एक्स वन का वैल्यू क्या होगा बताओ अनिरुद्ध, एफ एक्स वन क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, इसके अकॉर्डिंग होगा x माइनस टू अपॉन x माइनस, मतलब वैल्यू कुछ भी टू अपॉन x वन माइनस थ्री। और एफ एक्स टू की वैल्यू क्या होगी? x टू माइनस टू अपॉन x टू माइनस थ्री, वो तो फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आती है। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको। हमें एक्चुअली या तो हम ये प्रूव करेंगे या फिर हमें ये प्रूव करना है कि एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू, मतलब सिंप्लीफाई करके हमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास आनी चाहिए कि एक्स वन एक्स टू के बराबर है या नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा कार्तिक बस बैठा है, समझ नहीं रहा। सुन रहा हूँ, वन वन के लिए एफ एक्स एफ वन ले रहे हो आप, और क्रॉस मल्टीप्लाई और सबमिट क्या करोगे या फिर इक्वेट करोगे? तो मैं काट चुका ना सर, तो थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6 कट हो गया। ये क्या है 3x1 और ये क्या है 2x1, लेफ्ट में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो माइनस x1 बचेगा 2x2, ये 6 से 6 कट हो जाएगा, 2x2 को राइट में ले जाओ तो उधर बचेगा माइनस x2, कट हो जाएंगे x1 इज इक्वल टू x2। जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, कोई स्टेप नहीं आया तो पूछ लो, जस्ट ब्रैकेट खोले हैं, लाइक टर्म्स को कैंसिल वैंसिल कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। x1 इक्वल टू x2 आ गया तो फंक्शन कैसा हो गया? f इज 1 1। ऑन टू के लिए क्या करेंगे? बताओ, ऑन टू के लिए क्या करेंगे? देखो इधर ध्यान दो, बाद में लिखना, पहले समझो। हमारा फंक्शन ए से बी तक डिफाइंड है ना अनिरुद्ध, इधर समझो, नीचे क्या देख रहे होते हो जब मैं समझा रहा हूँ, इधर देखो। हमारा फंक्शन ए से बी तक डिफाइंड है, तो बी का हम एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है, लेट वाई बिलोंगिंग टू बी। वाई हमने किसका एलिमेंट लिया? बी का एलिमेंट लिया। वाई बिलोंगिंग टू बी है, ठीक है। वाई हमने किसका एलिमेंट लिया है? कोडोमेन का, बी सेट का। वाई यहां पर है, ठीक है। मान लो यहाँ एक एलिमेंट x है, तो इस x की इमेज क्या बनेगी? इस x की इमेज क्या बनेगी? एफ एक्स, ठीक है। तो y या एफ एक्स एक ही होते हैं, राइट। y हमने बिलोंगिंग टू, y बिलोंगिंग टू b लिया है, तो y किसके इक्वल होगा? एफ एक्स के बराबर। y इज इक्वल टू एफ एक्स, y एफ एक्स के इक्वल है, तो लेकिन एफ एक्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ एक्स क्या है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ एक्स क्या है? एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो यहां पर हम एफ एक्स की जगह क्या लिख देते हैं? एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, वाई इसके इक्वल होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, तो ये हो गया एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। हमारी कोशिश है यहाँ से एक्स फाइंड करने की, ये एक्स फाइंड करने की। ये एक्स अगर हमें मिल जाता है और वो भी इसी सेट में, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस एफ एक्स या इस वाई की प्री इमेज ये एक्स है, राइट। देखो जरा, हम एक्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से आ गया एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये थ्री वाई उधर चला गया माइनस टू। यहाँ से एक्स कॉमन लिया तो आ गया वाई माइनस वन इज इक्वल टू
थ्री वाई माइनस टू, एक्स की वैल्यू आ गई थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, ये थ्री वाई ये आ गया, ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई करेक्ट। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये एक्स इस सेट में होगा या नहीं होगा। ये सेट क्या है, इस सेट में हमारे पास क्या एलिमेंट है, ये इस सेट में एलिमेंट है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट थ्री। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सेट में कौन सा एलिमेंट है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट थ्री। अगर इस सेट में ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट थ्री है तो अगर एक्स क्या हुआ, एक रियल नंबर हुआ, एक्स एक रियल नंबर है और थ्री के इक्वल नहीं है तो एक्स फिर इस सेट में जरूर होगा, करेक्ट। एक्स अगर एक रियल नंबर होता है और इस सेट में नहीं है तो एक्स इस सेट में होगा, ठीक है। तो हमारी टेंडेंसी है एक्स को हम एक रियल नंबर प्रूव करें और साथ में ये भी प्रूव करें कि एक्स थ्री के इक्वल नहीं है, ठीक है। एक्स को रियल नंबर कैसे प्रूव करेंगे, देखो वाई एक्स किसके बराबर है, थ्री वाई माइनस टू, थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन के बराबर। एक्स को हमने क्या, वाई को हमने क्या लिया था, बी सेट का एलिमेंट लिया था। वाई बी सेट क्या है, बी सेट था ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन, इस सेट ये क्या है रियल नंबर्स का सेट है लेकिन इसमें वन नहीं है। वाई हमने इसमें से लिया है, इसका मतलब वाई एक रियल नंबर है और वाई वन के बराबर नहीं होगा। वाई अगर इस सेट का नंबर है तो वाई एक रियल नंबर है, देखो वाई रियल नंबर है बच्चों, वाई रियल नंबर है तो थ्री वाई भी रियल नंबर होगा, रियल को रियल से मल्टीप्लाई कर दो तो रियल ही आता है, थ्री भी रियल होता है, वाई भी रियल है, रियल को रियल से मल्टीप्लाई किया रियल आ गया, रियल में से रियल माइनस करोगे तो रियल नंबर ही आएगा। एंड नीचे y हमारा रियल नंबर है और y में से आप 1 माइनस कर रहे हैं, राइट right? तो अगेन ये भी एक रियल नंबर आएगा। एंड अगर एक रियल नंबर को दूसरे रियल नंबर से डिवाइड कर देते हैं देन इट इज आल्सो रियल नंबर, सो दिस कंप्लीट नंबर इज रियल नंबर, राइट। अगर ये कंप्लीट नंबर रियल नंबर है तो x तो इसके बराबर है तो डेफिनेटली x क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है, ये नंबर हमारा रियल नंबर है। बट एक काम रह गया, हमें ये प्रूव करना है कि ये थ्री के बराबर नहीं है, तो हम मान लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू थ्री, हमने